ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी जराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आचार्य वाणी पर। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ इस चैनल पर हमारे इस चैनल पर उपस्थित हूँ और आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए। 16 जुलाई की बात करें तो मंगलवार दशमी तिथि और सूर्य इस दिन कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होने के कारण से ये मंगलवार के दिन योग बना है और इसके सम्मुख जो मंगल जो मकर राशि है वो भी मकर संक्रांति जो है वो मंगलवार का ही योग बना रही है। तो ऐसे में दोनों संक्रांतियां मंगलवार को जब पड़े तो कहा जाता है महंगाई की मार संसार पर बहुत बुरी पड़ती है, लेकिन आपकी राशि के अनुसार से यदि आप समझने का प्रयास करें तो आपके लिए ये योग विशेष तौर पर थोड़ा सा ज़्यादा भयावह हो सकता है, क्योंकि मंगल भी आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति के साथ जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो आपके लिए नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप मंगल को शांत करें और शनि को भी ठीक करने का प्रयास करें। शनि पुरुषार्थ नहीं करने दे रहा है आपको, आपकी आगे बढ़ती हुई गति को धीरे धीरे पीछे की तरफ ला रहा है इस वक्त। इस वक्त हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हमने आश्रम पर इस योग को ठीक करने के लिए इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, स्वाभिमानी का भोग लगेगा। आप भी उसमें सम्मिलित होकर अपने नाम से इस यज्ञ आहुति में और इस सुंदर कार्यक्रम में पुण्यदायक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। उसके लिए स्थान आरक्षित करने के लिए अपने फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। 17 जुलाई का अवसर बुधवार का दिन एकादशी तिथि है और देवशयनी एकादशी। ये देवशयनी एकादशी का सुंदर योग बन रहा है, देव शयन होने जा रहा है। यानी देखे देवता भी कई लोग हमारे बिना अज्ञानता के कारण से मजाक भी उड़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लिख के अपने अपने मैसेज आप पढ़ सकते हैं उन सब लोगों को कि जो अपने अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं विभिन्न प्रकार के मैसेजेस को लिख कर। देवशयन यानी हनुमान भी सो जाते हैं। अरे इस संसार में भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। किसी को बहम ना हो जाए कि इस संसार में वही चला रहा है। कई बार मुझे और आपको भी बहम हो जाता है कि मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ, अपनी संस्था को चला रहा हूँ, तो मैं ना रहूँगा तो ये संस्था नहीं चलेगी, संसार बंद हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। यही वास्तविक प्रमाण करता है देव शयन। भगवान विष्णु इस संसार के पालक हैं, वो चलाते हैं। जब वो शयन करने चले जाते हैं तो कोई और आ जाता है, भगवान शिव के हाथ में सत्ता आ जाती है और बहुत बढ़िया चलता है संसार। वृष्टि का योग बन जाता है, सावन शुरू आ जाता है, सब जगह नई उत्पत्ति होने का योग बन जाता है, नई शक्ति से पूरा संसार आगे बढ़ता है और ज़्यादा। तो आप समझे ये संसार का अविरल क्रम है, कोई रहे ना रहे ये संसार अविरल चलने वाला है। इसलिए आप शांत हों, अपनी स्थिति को थोड़ा शांत करने का प्रयास करें। शांत होंगे तो नई शक्ति का सृजन करेंगे। कहा जाता है कि भगवान शंभु के हाथ में संसार की सत्ता आ जाती है और जो भगवान शंकर को प्रसन्न कर लेते हैं उनको प्रसन्न करना आसान मुश्किल थोड़ी है। एक लोटा लो जल भोलेनाथ को डालो और भगवान प्रसन्न आशीर्वाद तथास्तु करने का आशीर्वाद देते हैं। इस संसार में जिन्होंने भी वर्चस्व स्थापित किया, जो आगे बढ़ने का प्रयास किया, सबने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शंभु तो दिनों के समस्त प्रकार से कष्ट हरने वाले हैं। और तो आप समझे हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर योग पर पूरे नवरात्र पूरे सावन के महीने में विशेष तौर पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है जो नित्य प्रति चलेगा। आप भी अपने नाम से करा सकते हैं और भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सुंदर उपयोग रहेगा। तो देवशयनी एकादशी के दिन जो सुंदर ग्रहों का योगायोग है वो समझिए क्या करने जा रहा है आपके लिए। आपके लिए सुंदर बृहस्पति का चंद्रमा के साथ संबंध बना हुआ है ऐसे समय में जो ग्रह योग दिखा रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। धनुराशि वालों के लिए सावधान होना पड़ेगा, जो चंद्रमा के साथ संबंध जो बना हुआ है वो खर्चे बढ़ रहे हैं, लीकेज बंद करनी पड़ेगी। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन तो आता दिखाई दे रहा है लेकिन साथ में परेशानी एंजाइटी को भी ला रहा है, ऐसे ग्रह योग दिखा रहे हैं इस वक्त। तो ऐसे में क्या किया जाए? कहा जाता है शास्त्र में एक उपाय है कि भगवान विष्णु को स्नान कराने के उपरांत जो जल बचे उसको चरणामृत बनाकर उसको ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम शास्त्र कहता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो यानी इस दिन शुभ तिथि में आप भगवान का चरणामृत ग्रहण करें और समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है और आपके जो ग्रह कहीं कष्ट दे रहे हैं तो उसको परिवर्तन की तरफ आप ले जा सकते हैं। ये सुंदर उपाय का लाभ लीजिए आप। 18 जुलाई का अवसर बृहस्पतिवार द्वादशी तिथि और ग्रह नक्षत्रों का योग जैसा हमने आपको बताया, गजकेसरी योग आपकी राशि में निर्माण हो रहा है लेकिन कुछ कष्ट भी देने के योग दे रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आवश्यकता रहेगी बृहस्पति को ताकत देने की।
बृहस्पति इंद्र लगातार आपकी राशि के अनुसार से जो छठे भाव में चल रहे हैं, मंगल के साथ आकर थोड़ा सा अशुभ योग बना रहे हैं और क्लेश करने के योग दे रहे हैं, शत्रु पक्ष को हैवी करते दिखाई दे रहे हैं, आप पर भार बनता दिखाई दे रहा है, उसको ठीक करने का अवसर है। उसके लिए बृहस्पति का उपाय करें, केले का पूजन करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुजन की सहायता करें, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। तो ये तिथि वही दिखाती है, इसमें आप ये कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 19 जुलाई का अवसर, शुक्रवार का दिन, त्रयोदशी तिथि है इस दिन, और साथ साथ इस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, धनु राशि में प्रवेश करेंगे चंद्रमा, ये नई शक्ति का संचार करेंगे। सुबह 3:24 पर ये परिवर्तन होगा और शाम को करीब करीब 9:15 के आसपास बुध भी परिवर्तन की तरफ आ जाएंगे। बुध का ये परिवर्तन आपके भाग्य को जगाने के लिए हो रहा है। बुध महाराज, जो आप चीज़ों को आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, बुध भाग्य में आने के बाद कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की नई शक्ति आप में दे सकते हैं। ऐसे में जब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा, खर्चे बढ़ रहे हैं अननेसेसरी के, देखा होगा आपने अननेसेसरी के जुर्माने आपके ऊपर होने के योग बन रहे हैं, उसको ठीक करने का अवसर सही चल रहा है धनु राशि वालों। कैसे किया जाए उसको, आपको ठीक करने का, स्वास्थ्य को ठीक करने का, कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने का दिन अद्भुत है। शुक्र प्रदोष है, प्रदोष यानी त्रयोदशी शाम के समय व्याप्त रहेगी और शुक्रवार का योग बन गया है तो शुक्र प्रदोष हो गया है। भगवान शंकर का अभिषेक, भगवान विष्णु शय्या पर विश्राम के लिए चले गए हैं तो घी लेकर भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक किया जाए, उसके द्वारा भगवान शंकर का। त्र्यम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुखी मामृता या ओम नमः शिवाय, जो भोलेनाथ का मंत्र याद हो उसके द्वारा इन सबका अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। रुद्र सूक्त के द्वारा कर सके तो बहुत अच्छा है। नमस्ते रुद्रमन्यवोतो तई खवे नमः बाहुभ्यमुतते नमः, या पूरी रुद्राष्टाध्याय के द्वारा कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा, पूरे पूरे 8 अध्यायों के द्वारा। ये शुभ योग है, ऐसे में शुक्र प्रदोष को छोड़ना नहीं चाहिए, ये पुण्य काल है, मुहूर्त का काल है, तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या योग है वो भी हमने आपको बताया, उपाय भी बताया, इसको कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। 20 जुलाई की यदि हम बात करें, शनिवार का अवसर, सत्यव्रत इसी दिन रहेगा, चतुर्दशी उदया तिथि है, शाम के समय पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा और अगले दिन गुरु पूर्णिमा का सुंदर अवसर रहेगा। आश्रम पर भी बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और सद्गुरु आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के का सुंदर पूजन, उनका आशीर्वाद ग्रहण, उनके निमित्त यज्ञ इत्यादि का सुंदर कार्यक्रम, भंडारे इत्यादि का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, अवश्य उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। और ये ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है आपकी राशि के अनुसार से वो भी समझ लें कि आपके लिए विशेष तौर पर ये बुध के परिवर्तन होकर भाग्य में नए रास्ते जोड़ने के योग बन रहे हैं, इसका लाभ आपको मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन शनि को लगातार आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, शनि और बुध की आपस में युति चल रही है जो कहीं ना कहीं आलस उत्पन्न करती दिखाई दे रही है, उसके लिए आपको ठीक करना पड़ेगा। शनि को उपाय करने का प्रयास कीजिए, शनि को मनाने का प्रयास कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ करें, वो कल्याण करेगा, कष्टों से रक्षा करेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष जो है ना एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और ज्योतिष के प्रत्यक्ष विज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग हास्य परिहास के अंदर ज्योतिष का अनेक प्रकार से मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप किसी भी विज्ञान के किसी भी चीज़ का कभी भी मजाक उड़ा सकते हैं, हर चीज़ का मजाक उड़ाकर जिंदगी भी मजाक बन जाती है उस प्रकार से। ज्योतिष हमारे शास्त्रों का एक ऐसा अद्भुत चमत्कारी विषय है जिसको बहुत शोध के उपरांत शास्त्रों में वर्णित किया गया है, भविष्य को दिखाता है, बताता है, समझाता है कि क्या कुछ ग्रहों का योग चल रहा है। तो इसको हमें देशकाल परिस्थिति के अनुसार से समझते हुए उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष की कालगणनाएँ जो हैं वो वास्तविक तौर पर जो हम आपको बता रहे हैं वो तो गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपके 12 राशियों में पूरे संसार को विभाजित करने का एक सुंदर तरीका है, लेकिन एक समझे संसार तो इतना बड़ा है, उनके जीवन में भी परिवर्तन बहुत क्षणिक क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, हल्के छोटे छोटे परिवर्तन से, लेकिन हमने विभाजित 12 कैटेगरी में किया और उन कैटेगरीज को सब डिवाइड करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री है। और जब ज्योतिष विज्ञान के किसी ज्ञानी के पास जाया जाता है तो वो गोचर को आपकी प्रत्यक्ष जन्मपत्री पर डालकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव को देखने का प्रयास करता है। तो उसी प्रकार से आप सबको भी इस ज्योतिष विज्ञान के शास्त्र को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि महाराज पहले आ जाते तो ये दृष्टि पता चल जाती, ये कुछ ग्रहों का योगा योग है और बहुत सारे नुकसान से बच सकते थे। यही प्रभाव है वास्तविक तौर पर, समझ लें। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए, उनके घर में कोई घटना घटी और उन्होंने पहले नहीं दिखाई थी, जब उनकी वो घटना घटने के बाद जन्मपत्री दिखाने आए तो उनकी तमाम घर के लोगों में, उनके बच्चों की, उनकी पत्नी की कुंडली में ऐसा योग था कि वो सब के सब पिता के लिए भारी थे। और उन तीनों मतलब दोनों लड़के और स्त्री की कुंडली में इस प्रकार का योग था कि वो पति के लिए भारी है और कुछ दिन पहले पति का जीवन समाप्त हो गया। यदि ये पहले पता चल जाए कि इनके ग्रह भारी हैं तो उसका निवारण करने का रास्ता बनाया जा सकता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए।
तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को बहुत गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, अपने पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में रहकर बाल्यकाल से ही ज्योतिष का बहुत विचार सीखा, समझा। और आज ही मैं कहता हूँ, मैं ज्योतिष का कोई बहुत बड़ा प्रकांड आचार्य नहीं, एक बालक ही हूँ, एक छात्र ही हूँ जो उसको समझने का प्रयास करता हूँ। नित्य प्रति कुछ नई बातें अवश्य ज्ञान में आती हैं और समझ में आती हैं, प्रेडिक्शंस को समझने का प्रयास किया जाता है और हर रोज़ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट प्रेडिक्शंस में अवश्य जीवन में कालांतर में हर एक क्या आता है। तो आप भी ज्योतिष को प्रत्यक्ष अपने ग्रहों को सिद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के हजारों आचार्य हुए और उन्होंने अपने अपने ग्रंथों की रचना करी और उन ग्रंथों के माध्यम से जितने भी शोध ग्रंथ हैं, जैसे जैसे आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं और जैसे अध्ययन करेंगे आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उस चीज़ का वर्णन किया गया। जैमिन, पाराशर, ये ऐसे ऐसे ज्योतिष के ग्रंथ हैं कि उन्होंने एक एक सूत्र में ज्योतिष की ऐसी गणनाएँ लिखी हैं और जो जब कुंडली पर देखते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष निकलता है कि कैसे उस व्यक्ति ने उस जन्म पत्री के बारे में, उस जन्म जातक के संबंध में शोध करके लाखों साल, हजारों साल पहले वर्णित कर दिया था। तो आप भी उसका लाभ ले और ज्योतिष को हास परिहास में ना उड़ाएं। और हमने विवेकानंद योग आश्रम के माध्यम से इन सब चीज़ों को अच्छे से आपके समक्ष प्रकाशित भी करने का प्रयास किया। आश्रम की तरफ से जो पुस्तकें प्रकाशित हैं, जो ज्योतिष के विभिन्न उपचार के माध्यम से, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के, यज्ञ विज्ञान के लिए जो समय समय पर आश्रम पर शोध चलता रहता है, हमारे आश्रम पर नित्य निवारण। देखिए, ज्योतिष के दो भाग हैं, एक कारण एक निवारण। कारण तो ग्रह काल गणना को समझकर उसको बताया जाता है कि भाई ग्रह इस अवस्था में है, ऐसे हैं, इसके साथ योगा योग बन रहा है, इसके साथ योग का योग बन रहा है, ये मार्गी है, ये अस्त है, ये वक्री है। लेकिन इसके साथ साथ जो, ये तो कारण हो गया, निवारण क्या है? निवारण तो परमात्मा का नाम ही है, यज्ञ ही है, पूजा ही है, औषधि ही तो है। वो निवारण भी बहुत शोध करता है। जैसे किसी का स्वास्थ्य के मामले में समस्या हुई तो उसका अनुष्ठान, जो पूजा पाठ महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा होना है, बिल्कुल शुद्ध रूप से यदि किया जाए तो वो बिल्कुल रक्षा करता है। एक नहीं, हजारों लोगों पर हमने उसका अनुभव देखा। शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि के मंत्र का, शनि के स्तोत्र का यदि नित्य प्रति जप किया जाए, करवाया जाए, योग ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाए, तो हमने देखा प्रत्यक्ष रूप से उसके नेगेटिव प्रभाव को हम शून्य कर सकते हैं और शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ये मंत्र बिल्कुल प्रत्यक्ष है। यज्ञ इसलिए हमारे आश्रम पे हमने व्यवस्था बनाई कि 8 घंटे नित्य प्रति पिताजी के जमाने से चलता है और आज भी उस व्यवस्था को हम सुंदर रूप से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमुना पार्क खुरेजी विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित जो है, यहाँ पर नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है। हर रविवार को आप उस यज्ञ में स्वयं भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं माँ भगवती के सानिध्य में। अभी आने वाले समय में जो उत्सव आते हैं समय समय पर, जैसे इन दिनों विशेष तौर पर ना गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो नित्य प्रति उन दुर्गा सप्तशती का पाठ चल ही रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं, अपने नाम से भी यज्ञ करवाने के लिए भाग ले रहे हैं। अभी 23 तारीख से विशेष तौर पर सावन आरंभ हो जाएगा और सावन का एक विशेष कार्यक्रम आश्रम पर रहता है कि पूरे 30 दिन तक रुद्राभिषेक, भगवान से अपनी मनोकामना उन जलाभिषेक कर उनके सामने रखी जाती है। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल शिव विग्रह, जैसे सौराष्ट्र में स्वयं भगवान शंकर का बड़ा शिव विराजमान है, उसी प्रकार से आचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित कर उनको यहाँ प्रतिष्ठा बनाई गई और बिल्कुल सुंदर तरीके से नित्य प्रति उनका रुद्राभिषेक चलता है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो अभी सावन का महीना आएगा, पूरे 30 दिन तक विशाल रुद्राभिषेक, सब लोग सम्मिलित तौर पर दूध से, जल से, दही से, इच्छू रस से, विजया रस से, इन सब से भगवान का सुंदर अभिषेक मनोकामनाओं की सिद्धि करने के लिए बहुत अद्भुत। जैसा हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कह रहे थे, स्वास्थ्य की कोई समस्या हो, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से दूध से किया जाए तो अद्भुत रूप से लाभ के योग बनते हैं। एक केस हमारे पास बहुत वर्ष पूर्व आया, मुझे अभी भी याद है, बाल्यकाल के अंदर बहुत सीरियस केस था और वो पिताजी के पास आए, उनका ऑपरेशन होना था। पिताजी ने कहा, भाई इतनी जल्दी तुम ऑपरेशन के लिए जा रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते, तुम कम से कम एक संकल्प कर लो। माँ भगवती के सामने उनका संकल्प कराया और कहा, चिंता मत करो, तुम जाओ। और जो बिल्कुल असंभव भाव लग रहा था, वो महामृत्युंजय का यज्ञ अनुष्ठान शुरू करवा के चले गए। आप समझे कि जो चमत्कार हुआ, जो डॉक्टर हाथ लगा के राजी नहीं था उस केस के अंदर, वो भगवान की कृपा से शांति से वो कार्य हुआ, ऑपरेशन भी हुआ और सब प्रकार से पेशेंट ठीक भी हुआ। तो ये विश्वास को भी जगाता है, परमात्मा की कृपा को भी प्राप्त कराता है। तो मंत्र बिल्कुल अद्भुत है, शास्त्र में वर्णित जो प्रयोग हैं बिल्कुल वर्णित, बिल्कुल शुद्ध रूप से है। तो आप उन सबको अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पर जो ये विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं, उन समय समय पर हम आपको अवगत भी कराने का प्रयास करते हैं और उन सबका सानिध्य लेकर भगवती कृपा से आप
सुंदर रूप से इन सब मंत्र अनुष्ठानों का यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। आश्रम पे प्रतिष्ठित जो एक भगवती दुर्गा की शिव विग्रह है, जिसके बारे में हमने आपको कई बार अवगत कराया है, उनका भी दर्शन करिए। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता ही है, और इन दिनों गुप्त नवरात्रि का भी कार्यक्रम जो चल रहा है 16 जो 14 तारीख को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होकर फिर आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, उन सब में भी आप भाग लेकर सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। तो अवश्य आश्रम में इन चल रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, कृपा होगी, कल्याण होगा और दुख भी दूर होंगे।